सो गाइस फाइनली TVS रेडर रवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है TVS की तरफ से निकल के। तो अभी आप लोगों को पता है कुछ 2-3 महीने पहले TVS रेडर 125 का एक नया वेरिएंट लॉन्च हुआ था, जिसमें आपको TFT डिस्प्ले विद स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी, नेविगेशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, GPS और बहुत सारे आपको कॉलिंग फीचर, मैसेज फीचर, बहुत सारे एडवांस फीचर्स के साथ TVS ने अपनी रेडर 125 का 2022 वेरिएंट लॉन्च करा था। और बहुत जल्द इंडिया में एक और नई अपडेट रेडर 125 में लेके आने वाली है TVS। तो आज की वीडियो में अपन इसी के बारे में बात करेंगे, छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो देखना पूरा एंड तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ऑल, ताकि किसी भी तरह का बाइक से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों से मिस ना हो। तो यहां पे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि जो TVS रेडर 125 है वो आज के टाइम पे 125 सीसी के सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, और आपको मतलब फर्स्ट इन द सेगमेंट है कि आपको स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, TFT डिस्प्ले, और वो भी बिल्कुल बड़ी बाइक्स जैसा जो आपको 600-700 सीसी की बाइक्स में देखने को मिलता है, 390 से भी काफ़ी बेहतर आपको यहाँ पे TFT डिस्प्ले इस बाइक में देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, आपको कॉलिंग फीचर देखने को मिल जाता है, आपका मैसेज पॉपअप नोटिफिकेशन, यानी बहुत सारे एडवांस फीचर। मैं डिटेल में हालांकि इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ तो ज़्यादा अभी अपन बात नहीं करेंगे, लेकिन जो दो मेजर अपडेट इस साल लेके आने वाला है TVS अपने रेडर 125 में, उनमें से सबसे बड़ी अपडेट है भाई सिंगल चैनल ABS। जी हाँ, अभी आपको यहाँ पे सिर्फ डिस्क देखने को मिलता है, अब आपको सिंगल चैनल ABS इस बाइक में देखने को मिलने वाला है, जो इसका 2023 का अपडेटेड वेरियंट होगा। तो सिंगल चैनल ABS आने के बाद तो भाई ये बाइक मार्केट में आग लगाने वाली है 125 सीसी के सेगमेंट में, फिर तो इसकी टक्कर में कोई नहीं होने वाली। अभी भी इसकी ब्रेकिंग काफ़ी पावरफुल है, इसका डिस्क ब्रेक काफ़ी अच्छा वर्क करता है, लेकिन सिंगल चैनल ABS यानी फ्रंट में आपको ABS मिल जाएगा तो भाई इसकी ब्रेकिंग में और चार चांद लग जाएंगे। और दूसरा जो बड़ा इसमें अपडेट है वो है नए ग्राफिक्स और कलर कंपनी इसमें एड ऑन करने वाली है। व्हाइट कलर में एक आपको इसमें एडिशन मिलेगा, स्पेशल एडिशन, और एक आपको इसमें आई थिंक कंपनी ग्रीन कलर और एड ऑन करने वाली है। तो अभी ये कन्फर्म नहीं है, बट हाँ 2 या 3 नए कलर नए ग्राफिक्स के साथ कंपनी एड ऑन करने वाली है TVS रेडर 125 के 2023 वेरिएंट में। तो बस मैंने सोचा आप लोगों तक वीडियो पहुंचा देता हूं कि ये दो बड़े मेजर अपडेट होने वाले हैं 2023 TVS रेडर 125 में। और इसकी जो लॉन्चिंग मानी जा रही है एक्सपेक्टेड, वो ये है कि TVS ने जब रेडर 125 लॉन्च करी थी तो उससे अपना नया यानी फर्स्ट अपडेट लाने में ऑलमोस्ट 10-1 महीने लगा दिए थे। तो इस साल के फेस्टिव सीजन में आपको रेडर 125 का अपडेटेड वर्जन देखने को मिल जाएगा, बट कुछ रूमर्स हैं कि मिड ईयर में ही आपको मई या जून के आसपास ही कंपनी लॉन्च कर देगी। अगर मई जून के आसपास लॉन्च नहीं होता है ये वाला अपडेटेड वेरिएंट, तो फिर आपको फेस्टिव सीजन में तो देखने को मिलने ही वाला है। तो बस यही था अपना छोटा सा एक वीडियो, अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हो, और इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कॉन्टेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।